अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जहां 1 जून 2024 को मतदान होना है। इस दौरान चुनाव प्रचार करती कंगना का एक वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है। एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है, वो वोट नहीं देगी। वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुसन परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। और भी कई लोगों ने ये वीडियो के साथ कंगना के हार स्वीकारने का दावा किया है, लेकिन ये वीडियो अधूरा है। वीडियो के एक फ्रेम का रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें रिपब्लिक भारत की ये न्यूज रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कांग्रेस के हसीन परी वाले बयान पर कंगना ने पलटवार किया। इस रिपोर्ट में कंगना का पूरा वीडियो है, जिसमें वो ये कहती हैं। प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है, वो वोट नहीं देगी। वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुसन परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं। मैं भी ऐसे हार्ड मांस से बनी हूं जैसे कि आप बहने बनी हैं। मैं भी हिमाचल की इन गलियों में ऐसे ही खेलती हूं जैसे अब खेलती थी, जैसे हमारी ये बेटियां खेलती हैं। मेरी बहनें कोई चीज को देखने नहीं आती हैं, मेरी बहनें एक बहन को देखने आती हैं। मेरे भाई कोई चीज या कोई हुसन परी देखने नहीं आते हैं, वो अपनी हिमाचल की बेटी को देखने आते हैं। कितने तो इसमें से मैं ये बात लिख के देती हूँ, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेरी फिल्म भी नहीं देखी, लेकिन वो अपनी बेटी पर गर्वित हैं, वो अपनी बेटी को मिलने आते हैं, किसी चीज या किसी हुसन परी को मिलने नहीं आते हैं। इस तरह की भाषा बोलना, और उनकी भी एक बेटी है, एक बेटी को इस तरह की भाषा कहना कि एक चीज मुंबई से आई है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये बहुत ही दुखजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कंगना रनौत ने ये बातें कही थी, जिसे क्लिप कर इस गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है।